नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोमल क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में जो आपके NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है। ऑलरेडी हमने दो सेट कंप्लीट कर लिया है जिसमें 40 क्वेश्चन हमने किया है और ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। हर सेट में आपका 20-20 क्वेश्चन करके रहेगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेट में हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप सभी। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोदावरी। याद रखिए फ्रेंड्स, वैनगंगा और पैनगंगा ये दोनों गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन को देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो कौन सी नदी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोदावरी। ठीक है, गोदावरी ये एक लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना ये दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। याद रखिए बिल्कुल अच्छे से, गोदावरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, याद रखिए, ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मगिरी। कौन सा है ये? ब्रह्मगिरी। ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। कावेरी नदी किस में गिरती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। याद रखिए, कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये जल विवाद दो राज्यों के मध्य है, ये राज्य है आपके ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन से हैं ये राज्य? तो याद रखिए, ये है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ये नदी है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा, याद रखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत बार ही पूछे जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाबलेश्वर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कृष्ण नदी का, याद रखिए, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल ये महाबलेश्वर के पास है। ओके पंचगंगा तथा दूधगंगा ये किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णा नदी की। याद रखिए फ्रेंड्स, पंचगंगा और दूधगंगा ये दोनों नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। याद रखिए, पंचगंगा तथा दूधगंगा ये दोनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो ब्रह्मा क्या है? तो ये है एक पौराणिक नदी। क्या है ये? इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से। याद रखिए, दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी ये भारत की सबसे बड़ी वह नदी है।
याद रखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है आपका गंगा, ऑप्शन सी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित किसके द्वारा होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां इनमें से कौन सी है? नर्मदा, तापी या राप्ती? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, यानी कि एक और दो, ये दोनों, यानी कि नर्मदा और तापी, ये दोनों ही नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी। मानस किस नदी की उपनदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को, एक से दो बार इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर बाद में हम इन सभी क्वेश्चंस को एक दिन रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो देखिए, मानस ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोड़ी से होकर बहती है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोड़ी से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? भ्रंश द्रोड़ी से होकर बहती है नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी कि अमरकंटक से। सोन और नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है याद रखिए, अमरकंटक से, सोन और नर्मदा नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी कि कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी जो है ये चारों नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन इसने ही किया है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कोसी नदी। हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां इनमें से कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कौन सी नदियां हैं? ये तीन नदियां हैं, याद रखिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां जो है ये हिमालय काट कर और बहकर आने वाली नदियां हैं। ठीक है ना, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। और ये है लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ये नदी है नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नर्मदा नदी जो है ये एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम में घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए, एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी जो है वो है आपका नर्मदा नदी। बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे इस सेट के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हमारे भारत के प्रमुख नदियों के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे बहुत सारा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे ही आपको हमारे क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।